गोड ओनली नोस सेट प्रताप सिंह दैट विच आई लोज टूडे एंड विदाउट मी नो हैड ऑफ मैन शैल बेयर माई फ्रेंड अवे नेम द पॉइंट द पोइट पॉइंट है एबेलोसर प्रताप सिंह पॉइंट है सर हैनरी न्यू बोल्ड हाउ डिड प्रताप सिंह फील ओवर हिज दिस लोस प्रताप सिंह को इस लोस के बारे में क्या कैसा लगा प्रताप सिंह फेल्ट वेरी इन हैप्पी ओवर दिस लोस उसको बहुत बुरा लगा बहुत उदास हुआ ठीक है वट डिड प्रताप सिंह डिसाइड टू डू उसने क्या सोचा मैं क्या करूंगा प्रताप सिंह डिसाइडेड टू कैरी हिज फ्रेंड बायर हिमसेल्फ उसने कहा मैं अपने फ्रेंड का तबूत खुद उठा कर लेकर जाऊँगा वट डिड प्रताप सिंह से ही एट लॉस्ट प्रताप सिंह ने क्या बोला कि उसने क्या उसका लूज हो गया है खो दिया क्या खो दिया प्रताप सिंह सेट दैट ही एट लॉस्ट ए वेरी डियर फ्रेंड उसने एक बहुत अच्छा मित्र खो दिया है प्रताप सिंह ने यह बोला नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है राइट ए समरी ऑफ द पोईम सर प्रताप सिंह समरी लिखनी है सर प्रताप सिंह वॉज द किंग ऑफ जोधपुर प्रताप सिंह जोधपुर का राजा था ही फ्रेंड हु वॉज एन इंग्लिश मैन उसका एक मित्र था जो कि अंग्रेज था सडनली द फ्रेंड डाइड अचानक ही वो फ्रेंड मर गया प्रताप सिंह हिमसेल्फ कैडिट द फ्रेंड्स बायर प्रताप सिंह खुश खुद अपने मित्र का तबूत उठाकर लेकर गया ही डिड नॉट केयर फॉर द वार्निंग ऑफ द प्रेस्ट जो मतलब पंडितों ने उसको वार्निंग दी कि तुम अपनी कास्ट खो दोगे ठीक है उसने बिल्कुल केयर नहीं की उनकी वार्निंग की ठीक है हु सेड दैट ही वुड लूज हिज कास्ट बाई कैरिंग द बायर ऑफ इंग्लिश मैन क्योंकि उन्होंने पंडितों ने उसको बोला था कि तुम्हारी कास्ट चल जाएगी अगर तुम इंग्लिश मैन के दबूत को हाथ लगाओगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया लिखना है इस पोइम का सर प्रताप सिंह ब्रिंग्स आउट द फॉली ऑफ कास्ट सिस्टम जो सर प्रताप सिंह है ये पोईम जो है कास्ट सिस्टम के बद्देपन के बारे में बताती है ऑल मैन आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड परमात्मा की नज़र में सभी आदमी बराबर है कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं कोई सिख नहीं कोई ईसाई नहीं कोई इंग्लिश मैन नहीं नो वन इज हाई और लो बाई कास्ट अपनी कास्ट से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता अ कास्ट द डिवाइड्स मैन फ्रॉम मैन कॉन्ट बी कॉल्ड इट ट्रू कास्ट एक जाति जो एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग करती है उसको हम जाति सही जाति नहीं कह सकते क्योंकि जात जो है कभी भी एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग नहीं कर सकती हु वॉज सर प्रताप सिंह कौन था सर प्रताप सिंह वॉज द किंग ऑफ जोधपुर जोधपुर का राजा था ही लिव्ड इन द रोज रेड रोज रेड हाउस लिखना है रेड रोज नहीं लिखना रोज रेड हाउस वो रोज रेड हाउस में रहता था ही वॉज ए ट्रू फ्रेंड वो बहुत सही में मित्र था ही हि नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करता था फॉर हिम द कास्ट ऑफ अ सोल्जर वॉज द ओनली ट्रू कास्ट उसके लिए जो मतलब सोल्जर की कास्ट थी वही असली कास्ट होती है वाई डिड सर प्रताप सिंह इमिजिएटली लाइक एन इंग्लिश सोल्जर प्रताप सिंह जो था उसको एकदम इंग्लिश सोल्जर की वो अच्छा लगने लग गया सर प्रताप सिंह डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम वो कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करता था फॉर हिम द कास्ट ऑफ सोल्जर वॉज द ओनली ट्रू कास्ट उसके लिए सोल्जर की कास्ट ही असली कास्ट है द इंग्लिश मैन लुकड वेरी इंच एस सोल्जर जो अंग्रेज आदमी था वो उसको सोल्जर पूरी अच्छी तरह अच्छा सोल्जर लग रहा था देअ सर प्रताप सिंह इमिजिएटली लाइक द इंग्लिश सोल्जर प्रताप सिंह को वो सोल्जर जल्दी अच्छा जल्दी अच्छा लगने लग गया ठीक है पसंद आ गया उसको हाउ डेड द ट्रू टू कॉमरेड्स पेंट दे राइज वो दोनों अपना दिन कैसे बताते थे दिन कैसे बताते थे अलग अलग दोनों कौन प्रताप सिंह और इंग्लिश मैन द टू कॉमरेड्स सर प्रताप सिंह एंड द इंग्लिश मैन स्पेंड देयर डेज टूगेदर वो दोनों मिलकर दिन बताते थे दे वुड गो राइडिंग इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग सुबह और शाम को घुड़सवारी करने जाते थे दे टोल्ड ईच अदर द स्टोरीज ऑफ लव एंड एडवेंचर एक दूसरे को अपने प्यार की और साहस की बातें बताते रहते थे नेक्स्ट वाई वॉज प्रताप सिंह आस्ट टू सेंड ए स्वीपर वेन द इंग्लिश मैन डाइड लोगों ने क्यों प्रताप सिंह को बोला कि एक स्वीपर को भेज दो मैन इंग्लिश मैन डाइट जब अंग्रेज मर गया फोर मैन वर नीडेड टू कैरी हिज बायर बट इन जोधपुर दे कुड फाइंड ओनली थ्री इंग्लिश मैन चार आदमी चाहिए थे उसको बायर को उठाने के लिए लेकिन उनको सिर्फ तीन अंग्रेज मिले नो वन फ्रॉम हिंदू कास्ट वॉज स्पोज टू कैरी द बायर ऑफ ए नॉन हिंदू एक हिंदू जो था वो नॉन हिंदू का जैसे अंग्रेज जो था उसका तबूत नहीं उठा सकता था देर फॉर प्रताप सिंह वॉज आज टू सेंड ए स्वीपर इसलिए लोगों ने बोला प्रताप सिंह को कि आप स्वीपर हमें दे दो मैंने इंग्लिश मैन डाइट जब इंग्लिश मैन मर गया तो बिकॉज क्यों स्वीपर क्यों दे दो स्वीपर है no स्वीपर की कास्ट तो कभी खत्म नहीं हो सकती जबकि और कोई मतलब हिंदू उठाएगा तो उसकी कास्ट खत्म हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वॉज द प्रॉब्लम दैट रोज वैन द इंग्लिश मैन डाइट जब इंग्लिश मैन मर गया तो क्या प्रॉब्लम आई इसका भी आंसर यही लिखना है जो इसका ये ऊपर लिखा है सिक्स का लास्ट क्वेश्चन है वट अकॉर्डिंग टू प्रेस है मुताबिक प्रताप सिंह ने क्या लूज कर दिया क्या उसका खत्म हो गया क्यों द दैट प्रताप सिंह एट लॉस्ट हिज कास्ट उन्होंने कहा उसकी जाति खत्म हो गई है बाय कैरिंग द बायर ऑफ इंग्लिश मैन क्योंकि उसने इंग्लिश मैन के अंग्रेज के तबूत को उठाया था रिलीजन डिड नॉट अलाउ दिस धर्म में ये बात की इजाजत नहीं दी जाती कि आप हिंदू होकर अंग्रेज के तबूत को अर्थी को उठाओ हाउ प्रताप सिंह डिड नॉट केयर वट द प्री प्रिस्ट सेड लेकिन प्रताप सिंह ने जो कुछ पंडितों ने कहा उसने उसकी परवाह नहीं की डिड नॉट केयर डिड नॉट केयर ठीक है तो ये सभी आपने याद कर